Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं काफी वॉरेन बफे के एक फेमस कोट है उस पर डिस्कशन करूंगा और उसी के साथ साथ मैं उसके उस कोट के साथ जो कोरिलेशन करूंगा वो मैं करूंगा ITC की कि ITC के अभी क्या फाइनेंशियल है, अभी क्या टेक्निकल है, अभी हमें ITC में क्या करना चाहिए. सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सो यार देखो, सबसे पहली बात जो कोट है वो कुछ इस तरीके से है कि इंस्टाग्राम टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि बी फेयरफुल वैन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी वैन अदर्स आर फेयरफुल. जो भी टेलीग्राम के स्कैमर्स हैं, जो भी इंस्टा पे डेली हज़ारों पोस्ट डालते रहते हैं, वो सारे ये डायलॉग तो अच्छे से यूज़ करते हैं, एकदम अच्छे से तबीयत से यूज़ करते हैं कि जो भी है, जब सारे फेयरफुल हो तब खरीदना चाहिए, जब सारे ग्रीडी हो तब बेचना चाहिए, ठीक है. लेकिन वो तुम्हें सजेस्ट क्या करते हैं, जो भी तुम्हें टिप देते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट देते हैं. मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे इन दिनों देख रहा था कि ITC को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फेमस किया जा रहा है कि ITC डिफेंसिव है, डिफेंस मार्केट गिरते में भी ये बढ़ रहा है, ये है वो है, ITC को खरीद लो. नाउ खुद से एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फियरफुल, लाइक बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी या बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल. सो बाकी लोग जो फियरफुल होंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब व्हाट इज द रिजल्ट इन स्टॉक प्राइस. बाकी लोग डर रहे होंगे तो वो बेच रहे होंगे, स्टॉक गिर रहा होगा, राइट. डेफिनेशन ऑफ ग्रीडी, सारे लोग खरीद रहे होंगे, स्टॉक प्राइस बढ़ रहा होगा, एग्री करते हो तुम. ITC अभी ऑल टाइम हाई पे, अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई से 10-20% नीचे ही है, 20-30% नीचे ही है, लेकिन 3 ईयर हाई उसने क्रॉस किया है. मतलब मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया वहीं से आया कि रिसेंटली मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई थी किसी मिंट या ET10 पता नहीं किसी, तो मतलब ऐप की नोटिफिकेशन नहीं थी, ऐसे ही गूगल की तरफ से आई थी कि ITC हैज रिसेंटली मेड अ 3 ईयर हाई, कंसिडर बाइंग दिस रैंडम एनालिस्ट हैज गिवन दिस रेटिंग दैट रेटिंग, ऐसे करके न्यूज आई थी. अब यही मैं अपनी कई वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि जब भी स्टॉक टॉप पे होंगे तभी उसकी तारीफ होगी, तभी अच्छी न्यूज आएगी. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट कॉट वंस अगेन, जब भी वो स्टॉक टॉप पे होंगे दिस मीन्स दैट द मार्केट इज बींग ग्रीडी टूवर्ड्स दो स्टॉक. वो पॉइंट बाय करने का नहीं है, वो पॉइंट बेचने का है. इवन आई एम सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 76% ऑन ITC, लगभग 160-170 हुआ करता तो मैंने अच्छी क्वांटिटीज में बाय किया था. नाउ आई एम गोइंग टू सेल. आज तो मैं बेचना भूल गया, मैं काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, वरना मैंने कल रात को ही ये वीडियो बनाने का डिसीजन ले लिया था. तो कल उठते ही फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज ITC में बेचूंगा. खैर इतना लेट भी नहीं उठता हूँ मैं, 8 बजे उठ जाऊँगा, तो जब भी मतलब मार्केट ओपन होगी आई एम गोइंग टू सेल माई ITC होल्डिंग्स. तो एक बार मैं फिर भी इसके टेक्निकल्स पे आपको लेके जाना चाहूँगा. तो यार फाइनेंशियल तो देखो सुपर है, मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है. PE रेशियो 23 का है, ROC सेक्सी है, रिटर्न ऑन इक्विटी सेक्सी है, फंडामेंटली ये स्टॉक मेरे दिल के बहुत पास है. लेकिन हर चीज़ का ना एक प्राइस होता है, ठीक है, और एक फेयर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक की मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई जगह नहीं है. आई एम नॉट सेइंग ITC इज ओवर वैल्यूड, यहाँ से बहुत अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, बट आई बिलीव दैट इट इज़ फेयरली वैल्यूड नाउ, और मेरे पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए इससे बेटर काफ़ी बेटर स्टॉक्स हैं और मैं उन्हें ऐड करने की कोशिश करूंगा. बीट TV18, बीट OFSS, बीट अल्ट्राटेक सीमेंट, बीट सन TV, ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा मैं इस पॉइंट पे रेदर देन ITC. तो एक बार मैं बस आपको इसके टेक्निकल पे लेके जाना चाहूंगा. या सो बेसिकली कल मैंने डिसाइड कर लिया था वीडियो बनाने के लिए और आज ये गिर भी गया, बट ठीक है यार, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं. वो बस तुक्का लगा है कि मैंने डिसाइड किया और स्टॉक गिर गया, वरना ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं. सो या देखो, मैंने इसको ना जब मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने स्टॉक को कवर किया था. तो लगभग अप्रैल में कवर किया था मैंने, ये रहा अगस्त जून जुलाई अप्रैल, 206 के अराउंड का प्राइस था तब. या सो गाइस, मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा था कि जब मैंने बनाया था उसके बाद से ये कहाँ तक गया है. तो लगभग यहाँ कहीं 206 के प्राइस पे मैंने डिस्कस किया था ये, 12 अप्रैल तो नहीं, थोड़ा सा लेट, या लगभग यहाँ की बनाई थी मैंने इस पर वीडियो. और इसके बाद इसने रिसेंटली लगभग 40% का गेन दिया है, बीच में भी काफ़ी गेन था, लेकिन मेरा टारगेट यही था कि लगभग ऑल टाइम हाई के पास आएगा या 290-300 के आसपास आएगा. मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैं 300 के अराउंड इसको बेचने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा. तो ये अपने उस प्राइस पे आ गया है, इस प्राइस पे मैं स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूँ. दी ओनली रीजन इज आई बिलीव इज कि तुम ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय करके ना कभी भी 30-40% की CAGR जनरेट नहीं कर सकते, नीचे खरीदना होता है. एंड द मोमेंट द स्टॉक मेक्स ऑल टाइम हाई, इसने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, ऑल टाइम हाई लगभग 350 है, लेकिन ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास आ गया है. और मैंने अपनी वीडियो में चीख चीख के तब डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टॉक के प्रॉफिट, अगर किसी स्टॉक के सेल्स आर
are coming at all-time high levels every quarter and every year, then that stock is bound to make all-time high once again. ये मैंने अच्छे से डिस्कशन की थी उस वीडियो में. सो इट इज़ टाइम टू सेल दिस स्टॉक. सो अब कल मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा. मस्ट 40% गेन मेरे उस प्राइस से है. ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो में 166 के लेवल पे है, तो लगभग 76% का गेन मेरे को वहाँ पे है. और FNO में भी स्टॉक ने मेरे को अच्छा खासा कमा के दिया है. FNO में मोर देन 1,60,000 मैंने स्टॉक से कमाए थे. तो अब ITC ने मेरे लिए क्या किया, ITC मेरे पोर्टफोलियो में आया, इक्विटीज़ में भी FNO में भी अच्छा खासा पैसा मेरी जेब में भर के ITC चला गया. अब मैं इस स्टॉक को तब तक नहीं देखूंगा जब भी अपने नया ऑल टाइम हाई जब भी बनाएगा, बीट दिस वन बीट सम अदर ऑल टाइम हाई, उससे 20-30% 40% नीचे नहीं गिरेगा, तब तक मैं इस स्टॉक को मुड़के नहीं देखूंगा. आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि इस तरीके की स्ट्रेटजीज फॉलो करने से आप 30-40% या उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हो. तो यही डिस्कस करना था मुझे. और एक पॉइंट तो यार, हाँ यार, ये ज़रूर डिस्कस करना था कि जो भी वो टेलीग्राम चैनल होते हैं ना, वो सिर्फ कोट लिखते हैं, उसका मतलब उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता. ग्रीडी और फियरफुल में उन्हें कुछ डिफरेंस नहीं पता होता कि मार्केट फियरफुल है कब. मतलब मैं ना इन दिनों काफ़ी सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ काफ़ी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्ट्रक्चर माई कोर्स. तो मैं बहुत सारे जहाँ जितने सोर्सेज से जितना ज़्यादा सीख पाऊँ ताकि मैं अपने कोर्स को बेस्ट बेस्ट तरीके से डिलीवर कर पाऊँ, तो मैं वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ मैंने रैंडम कई सारी मास्टर क्लासेस ज्वाइन की इन दिनों, एंड दे वर टीचिंग शिट. मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्या ही बोलूँ मैं. मतलब उनकी सारी स्ट्रेटेजी लिटरली ऐसी है ना कि स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे ही खरीदो. मतलब 7 साल का ऐतिहासिक ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक में. स्टॉक ने अभी अभी तो ऑल टाइम हाई बनाया है और ऊपर जाएगा, ये है वो है, स्ट्रेंथ आ गई है स्टॉक में. तो ऐसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग की जा रही है. कुछ ही ट्रेनिंग थी जो मैंने की थी जहाँ पे मेरे को थोड़ी थोड़ी सी ढंग की नॉलेज मिली है, वरना मैक्सिमम प्लेसेस आई वुड से 95% ऑफ द कंटेंट आउट देयर बीट फ्री बीट पेड इज रिलेटेड टू बाइंग एट ऑल टाइम हाई. क्यों? क्योंकि वो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखा पाते हैं बस. अगर किसी ने आपको 10 स्टॉक रिकमेंड किए हैं 5 दिन पहले, तो देर इज अ वेरी हाई चांसेस कि 5 दिन बाद उनमें से कुछ स्टॉक प्रॉफिट में होंगे. तो वो दिखाते, देखो हमने 5 दिन पहले रिकमेंड किया था, 10% गेन आ गया, 5 डेज में 5% गेन, 5 डेज में 10% गेन. ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखा के, ये लालच दिखा के वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, पेड मेंबरशिप पेड सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, और फिर आपका बहुत अच्छा लॉस होता है. मेरा भाई भी एक मोमेंटम ट्रेडर को फॉलो करता है, नामा मैं यूज़ नहीं करूँगा उसका, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उसकी. ही हैज मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स, एंड एज अ रिजल्ट माई ब्रदर इज सिटिंग एट अ लॉस ऑफ मोर देन 35%. खैर मेरा भी अच्छा खासा लॉस हुआ है, लेकिन मार्केट अगर 18% से गिरी है तो मैं अपने पोर्टफोलियो को 20-25% से गिरने के लिए देखने में, मतलब आई वॉज प्रिटी कंफर्टेबल विद दैट. और मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 20% से गिरा है इक्विटी वाला. FNO का क्योंकि मैं 2x लेवरेज पे खेल रहा था, तो FNO में मेरे को काफ़ी अच्छे लॉसेस हुए हैं, वो भी अब रिसेंटली प्रॉफिटेबल होने स्टार्ट हो गए हैं. जस्ट मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि FNO में मेरे को किस लेवल के लॉस हुए हैं. इट्स लाइक देखो, मैं सिंपल 2x के लेवरेज पे खेल रहा था. आपको पता ही है कि अगर निफ्टी के मेरे पास कई फ्यूचर्स थे, इट्स लाइक निफ्टी के फ्यूचर्स में मेरे को जो है 8 लाख का एक्सपोजर मिलता है, और फ्यूचर खरीदने के लिए 1-2 लाख रुपये ब्लॉक होता है, लेकिन मैंने 2-3 लाख एक्स्ट्रा रखा हुआ था, सो दैट मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और 8 लाख का मैंने एक्सपोजर लिया हुआ है. सिंपल सी मैथ है, निफ्टी गिरा 15%, मेरा लॉस होगा 30%. डू द मैथ्स योरसेल्फ. अगर मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ था तो मैंने 30 लाख का लॉस बुक किया, अगर 50 लाख थे तो मैंने 10 लाख के लॉस बुक किए, एंड आई डोंट गिव अ डैम. ठीक है, मुझे पता है वो रिकवर होंगे, मुझे पता है वो रिकवर हो रहे हैं. कॉल्स ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है, पुटों ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है. मैं ऑप्शंस को लेकर अब इतना एग्रेसिव नहीं हूँ, बिकॉज धीरे धीरे मेरे को भी एक्स्ट्रा रिस्क जो होते हैं ऑप्शंस में वो समझ आने लगे हैं. सो इसलिए मैं ऑप्शंस रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें डिस्कस थोड़ी सी कमी करूँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस सेल यू कि ये चीज़ रिस्क फ्री है, बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट रिस्क फ्री. इक्विटीज पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, लेकिन ऑप्शन से रिलेटेड भी कॉन्टेंट आएगा. अगर मैं कोई पोजिशन लूँगा उसका रिस्क बता के लूँगा. मेरी स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन की पता ही है, अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है आई वॉज 1000% कम्फर्टेबल इन टेकिंग डिलीवरी. अब चाहे वो डिलीवरी में फ्यूचर्स की फॉर्म में लूँ, चाहे वो डिलीवरी में शेयर्स की फॉर्म में लूँ, मैं डिलीवरी लेता हूँ, मैं लॉस बुक नहीं करता हूँ. आपको पता ही है मेरी स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की, बहुत एक सिंपल सी वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप की स्ट्रेटेजी है, जो ऑप्शंस में भी मेरे लिए वर्क कर रही है, जो इक्विटीज में भी मेरे लिए वर्क कर रही है. अब आपको एक काम और करना है, एक तो अगर ऐसे किसी टेलीग्राम चैनल पे हो ना जो ये कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वॉरेन बफे का, और तुम्हें रैंडम चीज़ें चेप रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें ब्लॉक करो. दूसरा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यार देखो मीम शेयर करना बहुत आसान है, ठीक है, रील्स दिखती रहती है, रील्स दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं. ऐसे एजुकेशनल कंटेंट को शेयर करने वाला ही ना सच्चा दोस्त कहलाता है. ठीक है, कि 10 साल बाद ततुम भी बोलोगे यार तूने मुझे उस बंदे की वीडियो शेयर की थी, मैं 10 साल से उसे फॉलो कर रहा हूँ, नाउ आई एम अ मिलियनेयर.
अगर 10 साल से पहले ही तुम मिलियनियर बन जाओगे अगर ऐसे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेते रहोगे तो बी द फ्रेंड जो तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो। मैं यही बोलूंगा कि मिलके अमीर बनो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मेरे को जब ये स्ट्रेटजीज का पता लगा था, जिस भी यूट्यूबर से जहाँ से भी मेरे को चीज़ें पता लगी थी, मैंने ब्रह्मांड संसार में उसके बारे में बता दिया था। मेरे जितने भी दोस्त थे मैंने सबको उसका रेफर किया था, खुद भी उससे काफ़ी ज़्यादा सीखा था। मेरे दोस्त भी अब काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, और दे ऑलवेज थैंक मी कि हेमंत यार तूने सही बंदे सही लोगों के साथ हमें कनेक्ट कराया है एंड यू आर जेन्युइन गाय, सो बी दैट जेन्युइन गाय फॉर समवन एल्स टू। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, खुद को नहीं, कि तुम भी ऐसा ही करो। मैं तो जिससे मिलता हूँ उसको मैं फाइनेंस का ज्ञान थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर देता हूँ। उसका रीज़न बस यही है कि अभी शायद उसे बोरिंग लगे, बट अगर इफ़ ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एंड इफ़ यू डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्ट्रेटजीज, तो 10 साल बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन होगा मुझे नहीं पता, आई सीरियसली डोंट नो, बट उसका बेस्ट फ्रेंड मैं ज़रूर होने वाला हूँ। मेरे 2-3 दोस्त अमेजोन के हैं, 1-2 दोस्त गूगल के हैं, और भी कई दोस्त हैं मेरे जो मेरी स्ट्रेटजीज को एक्टिवली फॉलो करते हैं, एक्टिवली इवन एक दो ने तो अपना अकाउंट भी मेरे को दे रखा है कि भाई तू ही हैंडल कर। इतना मुझे पक्का पता है 10 साल बाद ना वो सारे लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे होंगे हद से ज़्यादा, मतलब लिटरली गले लग के कि यार तेरी वजह से हमारे पास आज 15 करोड़ 20 करोड़ है, जितने भी करोड़ उनके पास होंगे उतने रुपए हैं। तो बी दैट फ्रेंड फॉर नंबर एस, ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करो, एजुकेट करो कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ITC अगेन, ITC इज़ अ ग्रेट शेयर, मैं उसमें कोई भी डाउट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द टाइम टू बाय दिस शेयर, दिस इज द टाइम टू सेल इट शेयर। और कौन से FMCG के शेयर्स को बाय करना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। If you want me to come up with this video, with that video as soon as possible, let me know in the comment section. And meanwhile, अभी जो मैं 3-4 stock को accumulate कर रहा हूँ धीरे धीरे, Sun TV, Ultratech Cement, OFSS और कौन से Auro Pharma, Biocon, मतलब pharma sector की काफ़ी सारी companies काफ़ी अच्छी valuation पे available हैं, so आप उन्हें भी add कर सकते हो। बाकी इन पे धीरे धीरे detailed video में लाते रहूँगा। I hope आपको ये video अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को थैंक्स नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट पे आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी वीडियोज़ के साथ रेगुलरली आते रहूँगा। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।